हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर करवा दिया था क्वेश्चन नंबर वन और एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आप लोगों को स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ें हम लोग तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 X Limited परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख रुपीज। देखें, जो मशीन है वो परचेज की गई है 4 लाख रुपीज की और उसके ऊपर खर्च हुए हैं 50,000 रुपीज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब उसके जो इंस्टॉलेशन के जो खर्चे किए गए हैं वो करे गए हैं 50,000 रुपीज के। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले जब हम लोगों को ये चीज़ें दे रखी होंगी तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आने चाहिए कि हम लोगों को ये चीज़ निकालनी है कि डेप्रिसिएशन पर एनुअल। ठीक है ना, पूरे साल भर का हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को रेट दे, अगर हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन है क्या। अगर इस क्वेश्चन में अंदर रेट गिवन नहीं है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर रेट होती है तो भी आप लोगों को और भी ज़्यादा ईजी है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन में अगर रेट नहीं दे रखा होता है, अगर टाइम कॉस्टिंग टाइम और स्क्रैप वैल्यू अगर आप लोगों को गिवन है तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड। वही बताया था मैंने आपको, तीन मैथड बताए थे, स्ट्रेट लाइन मैथड को हम लोग फिक्स लाइन मेथड के, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक के लिए आपको बनाने हैं। द बुक्स क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। जो ये बुक्स है वो 31st March को हमेशा क्लोज होती है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने बुक के अंदर से ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा। पेज नंबर 15.41 के अंदर ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31st March, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर आ जाएगा हमारा डेट का कॉलम, ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये अमाउंट, ये डेट पर्टिकुलर, ये अमाउंट। ठीक है, ये हम लोगों ने परफॉर्मा बना लिया है। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो सारा के सारे क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। कि देखिएगा, 1 अप्रैल 2018 को हमने परचेज करा है मशीनरी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आएगा टू बैंक, जो कि डेबिट साइड के अंदर है। बैंक कितने रुपीज से, 4 लाख रुपीज से। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्सपेंस हुए हैं वो भी हम लोग इसको एड ऑन कर देंगे 50,000 रुपीज के। ओके, यहां पर हम लोग जानते हैं यहां पर 4,50,000 रुपीज आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन पर एनुअल क्या है। क्या हम लोगों को पता है कि कॉस्टिंग है इसकी 4 लाख रुपीज प्लस इसके अंदर जो स्क्रैप वैल्यू है इसकी, मतलब स्क्रैप वैल्यू नहीं, इसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं और लेस करते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू, जो कि हमारी 50,000 रुपीज की, और डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ जो कि हमारा 10। हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 40,000 रुपीज। ठीक है,
पर एनुअल, ये हमारा लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पता है कि हम लोगों को बनाना आता है 31 मार्च को, जो कि हमारा बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 40,000 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा 4,50,000 रुपीज और बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 4,10,000 रुपीज 31 मार्च को। अब ये जो बैलेंस है वो आगे जाके ट्रांसफर हो जाएगा 2019 के अंदर 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, कितना है 4,10,000 रुपीज, ठीक है ना। इसके अंदर भी हमारा, हम लोग पता है 40,000 स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन सेम लगता है, कोई भी ना तो हाफ ईयरली दे रखा है ना ही हम लोगों को रेट दे रखी है, ठीक है ना। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो लगता है बिल्कुल फिक्स लगता है, ठीक है ना। तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन हम लोग जानते हैं 40,000 रुपीज लग जाएगा, बाय बैलेंस सीडी 40,000 में से गया, ये जाएगा 4,10,000 रुपीज 4,10,000 रुपीज, तो इसमें बच जाएगा हमारा 3,70,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर हम लोग पहुंचाएंगे 2020 के अंदर, 1 अप्रैल जो टू बैलेंस रहेगा ये सीडी आएगा तो इधर बीडी पहुंच जाएगा, ठीक है, जो कि होगा हमारा 3,70,000 रुपीज से, और 31 मार्च को हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो कि होगा सेम 40,000 रुपीज और बाय बैलेंस सीडी 3,70,000 और यहां पर भी 3,70,000 रुपीज 3,70,000 में से 40,000 रुपीज हम लोग लेस करेंगे तो हमारा, तो हमारा बचेगा 3,30,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इलस्ट्रेशन का करेंगे।